हेलो प्यारे लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेस मसाज करना सिखाने वाली हूँ कि आप अपने फेस को कैसे मसाज कर सकते हो। मसाज की कुछ टेक्निक्स होती है जिसे आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे तो आपके फेस की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगेगी। फेस मसाज करने से आपके फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है, साथ ही साथ ही ये आपके फेस को ब्राइट कर देती है। अगर कोई पिगमेंटेशन होती है या डार्क स्पॉट होता है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। फेस मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है वो, और आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगा। ऐसा चमकदार, ऐसा पॉलिश हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा फ्लैश मार रहा है कोई, ऐसा आपका फेस हो जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, अपनी स्किन की देखभाल नहीं कर पाते, उन्हें फेस मसाज तो करना ही करना चाहिए। पूरे दिन में से एक टाइम ऐसा निकालना चाहिए जिसमें वो 5 मिनट फेस मसाज को दे सके, जैसे कि सोने का वक्त। सोने का वक्त बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे दिन मतलब कोई भी मतलब स्किन केयर फॉलो नहीं कर पाते हो, डार्क सर्कल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन आप उसे मतलब इस अच्छे से केयर नहीं कर पाते, तो आपको फेस मसाज अगर रोज़ रात को आप सोने से पहले करोगे ना, तो आपके फेस की केयर भी होती जाएगी, बहुत अच्छा भी रहेगा। तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ फेस मसाज कैसे करना है, इसलिए आप अपने YouTube की जो वीडियो है उसकी स्क्रीन को फुल कर लो। फेस मसाज करने से पहले आपको सबसे पहले एलोवेरा जेल या फिर आप अपनी कोई नाइट क्रीम या सीरम भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो मसाज का प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो इसे अपने आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, उसके बाद हम अपना मसाज का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आपको मसाज सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ जॉ लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारा पहला मसाज ये है, आपको नीचे से लेके अपने मसाज को ऊपर तक जाना, मतलब हम नीचे से धीरे 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 ऊपर, पहले होंठ, पहले जॉ लाइन, होंठ, नाक, गाल, ऐसा जाएंगे तो आपको याद रहेगा, मसाज करते वक्त भूलोगे नहीं आप, इसलिए हम पहले नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला मसाज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो जॉ लाइन है वो ज़्यादा शार्प होगी, जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। इसके बाद हम ये वाला मसाज करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा फेस है ना, जो जैसा लटक रहा है, जैसे डबल जो चीक हो जाती है वो भी मतलब धीरे धीरे रिड्यूस होगी, रिंकल्स चले जाएंगे, लिफ्ट होगी और आपके फेस को बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा। इसके बाद हम अपने फेस को जो ये जो हमारी जो गाल रहता है उसके नीचे जो डबल एक और सा आ जाता है ना, ये उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हम होल्ड करके रखेंगे, फिर अपने फेस को ऐसा हम होल्ड कर करके ऊपर की साइड इसको ऐसा पकड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा फेस टाइट होगा। इसके बाद हम अपने लिप्स के एरिया को मसाज करेंगे। सबसे पहले हम इसे सर्कुलर मोशन में मसाज देंगे, उसके बाद जो हमारी मसाज आएगी वो लिप्स के कॉर्नर को हमें दबा के ऊपर की साइड ले जाना है। इससे क्या होगा, किसी का जो लिप्स आप देखोगे ना थोड़े झुके हुए रहते हैं रिंकल्स की वजह से और थोड़ा सैगीनेस रहता है, तो इससे वो दूर होगा। तो हमें इसे कम से कम 5-6 बार करना है। उसके बाद हम अपने गाल के एरिया को मसाज करेंगे, हम नकल्स की मदद से गाल के एरिया को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, जो जिसका गाल है थोड़ा मोटा रहता है, मतलब थोड़ा हेल्दी रहता है, वो स्लिम होएगा, उसमें ग्लो आएगी और हमारा गाल भी टाइट होगा, साथ ही साथ ब्राइट होगा, इसलिए हम गाल में और साथ सबसे जो जिसलिए हम कर रहे हैं उसमें ग्लो आएगा। उसके बाद हमें अपनी फिंगर्स की मदद से भी गाल को टाइट करने की कोशिश करेंगे, उसे ऊपर लेके जाएंगे। ये इतना फास्ट नहीं करना है, अपने को हल्के हल्के हाथों से ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसे सर्कुलर मोशन में मसाज देंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होगा। आपको हल्के हाथों से सब मसाज देना है, आपको फास्ट फास्ट एकदम दबा दबा के फेस को मसाज नहीं देना है, ठीक है। ये वीडियो में ज़्यादा स्पीड है इसलिए आपको लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद हम नोज़ को देंगे, इससे क्या, हमें नोज़ थोड़ी शार्प हुई। इसके पास हम अपने अंडर आई एरिया को मसाज करेंगे, आइज़ के पास का। तो एक हाथों से हम इसे ऐसा ऊपर की तरफ करके इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेस वो कम होगा और जो हमारी डार्कनेस है आइज़ के पास डार्कनेस है जो मतलब हमें हो जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन से प्रेशर से, फिर हमें अपने रिंग फिंगर से इसे राउंड 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 पहले क्लॉक वाइज उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज ऐसे से हम पहले अंदर साइड से वो करेंगे मसाज। उसके बाद हम अपने थोड़े आईब्रोज को भी मसाज कर लेंगे, इससे आईब्रोज थोड़ी हेल्दी होगी। उसके बाद हम वापस से अपने रिंग फिंगर को लेंगे और अपने ऊपर के आईब्रोज के ऊपर साइड से अंदर से लेकर ऊपर साइड मसाज करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी होएगा और आपकी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा आपको ये करना चाहिए, आपके डार्क सर्कल रिड्यूस होते हैं। उसके बाद हम फॉरहेड एरिया पर भी करेंगे, हमें ज़िगज़ैग भी कर सकते हैं, हमें सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एक्सरसाइज है, आपको करनी चाहिए, एक्सरसाइज बोली मैंने, इससे आपके फेस में बहुत अच्छा ग्लो आता है। उसके बाद हम लास्टली अपने फेस को थोड़ा होल्ड कर करके रखेंगे 2-2 सेकंड के लिए। तो कैसा लगा आपको फेस मसाज सीख के? ये फेस मसाज करने से अगर आप पूरे दिन में 5 मिनट निकाल के फेस मसाज कर लेते हो ना, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी ऐसा कर सकते हो, आप रोज़ भी कर सकते हो, आपके पर डिपेंड करता है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चमक जाएगी, हाइड्रेट होगी आपके फेस, साथ ही साथ जो आपको फेस में जो रिंकल्स आ रहे हैं, सैगीनेस हो रही है, वो भी दूर होगी और आपका फेस भी लिफ्ट होगा, हाइड्रेट होगा, ग्लो होगा, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। तो आप इसे दिन में हर रोज़ ज़रूर करना, मतलब अगर आप रात में करोगे तो अच्छा रहेगा, रात में करके सो जाओगे तो इसके बेनिफिट आपके स्किन में आएंगे। और इसके बाद आपको केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप सुबह जा रहे हो यूज़ कर लो, लेकिन रात में करके जब सोएंगे तो आप वैसे भी कुछ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट 7-8 घंटे कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है अपने फेस में, ठीक है।
तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा वो बेनिफिट आपको देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना बाय।